और अभी हम मौजूद हैं सौंग नदी पर, और जिस तरह से यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी कि एक महिला यहाँ पे फंस चुकी थी गाड़ी को लेकर, लेकिन देखा गया तो यहाँ पे पूरी फैमिली फंसी हुई है, और इसको लेकर यहाँ पे केसरवाला चौक के इंचार्ज आए दीपक सिंह कुमार, तो उनसे पूछेंगे किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। और रात के भी 8 बज चुके हैं और ये पूरे नदी में पानी में फंस चुका है जो उनकी गाड़ी है महिंद्रा की, और जिस तरह से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे रविवार को, और पूरी पुलिस टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। और ये देखिए हाँ उतर जा, और बीच नदी से रेस्क्यू किए महेंद्र गढ़ी, और चौकी इंचार्ज दीपक सिंह पवार हमारे साथ मौजूद है, बंद कर दे। और दीपक सिंह पवार से पूछते हैं क्या कुछ ये मामला है, किस तरह से सूचना मिली। पवार जी क्या कुछ मामला था जो ये घटित हुआ रविवार को? हमें सूचना मिली थी कि यहाँ मालदेवता घूमने कुछ लोग आए हैं जिनकी गाड़ी यहाँ नदी में फंस गई है, और कुछ उसमें महिलाएं कुछ बच्चे कुछ परिवार हैं। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे तो लोगों द्वारा देखा गया कि इनकी गाड़ी नदी में फंसी हुई है, जिस पर हमें मौके पर ट्रैक्टर बुलाया गया, रस्सी बुलाई गई, और इनको सकुशल बाहर निकाला गया। और ये देखिए ये गाड़ी है महिंद्रा की क्विड्स, और जिस तरह से गाड़ी की हालत है, टायर पंचर हो गया था जो कि रियल कॉज लग रहा है इसका। और ये थे हमारे बीच केसरवाला के चौकी इंचार्ज दीपक सिंह पवार, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से यहाँ पे मौके पर इन्हें सूचना मिली थी और मौके पर ये पहुंचे, और ये सौंग नदी के बीच नदी पे गाड़ी फंसी हुई थी, और तमाम हादसे आप सुनते हैं कि सौंग नदी में पिकनिक मनाने आते हैं, पिकनिक स्पॉट का है, लेकिन तमाम हादसे ही इसी नदी पर होते हैं और इसी जगह पर होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल स्पॉट भी माना जाता है अधिकतर, क्योंकि यहाँ पे बीते ही 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें कि एक पवार जो लड़का था वो शहीद मर गया था, और यहाँ पे सीधे ऊपर से नीचे गिरी थी गाड़ी, और उसके बाद आज ये दूसरा हादसा हुआ है।